व्यापारी वर्ग बड़ा तंग है जी इनके राज में, गुंडा टैक्स बड़ा वसूलिया गया था के राज में 2000 के उसमें गुंडा टैक्स बहुत मंडी से गया। हुड्डा के राज में मैं नहीं, चौधरी देवीलाल के राज में। अच्छा, चौटाला जी के राज में। ये क्या होता था, ये INLD में कौन सा टैक्स? ये गुंडा टैक्स था जी, माफिया ग्रुप लिए करते होते हैं। कैसे जाता था ये टैक्स? यही बोलने का अधिकार है सबको, यही बोलने का अधिकार है सबको। आपसे जवाब ले लेंगे, आपसे जवाब ले लेंगे। क्या होता आदमी आते थे उसके जो सरकार के मंडी से मेरे को 300 रुपये गुंडा टैक्स दिया गया था। चौटाला जी के रिजम में मंडी से व्यापारियों से ओम प्रकाश चौटाला जी के मुख्यमंत्री आपसे जवाब लूंगा, इसलिए सुनिए है ना। और दूसरे को बोलने से रोकिए मत सर, दूसरे इसको बोलने से रोकिए मत। गुंडा टैक्स दिया ये आरोप लगता है कि जब INLD की सरकार तो गुंडा टैक्स, अब ये आदमी बोल रहे हैं आप उनको बोलने नहीं देंगे, अब मैं माइक लेके यहाँ खड़ा हूँ होने नहीं दूंगा। ये क्यों आरोप लगता है कि चौटाला जी के राज में गुंडा टैक्स लिया जाता था मंडी से व्यापारी? ऐसा कोई बात नहीं हुआ कभी मंडी से कोई एक रुपया। चौटाला साहब के पास कोई सबूत कर दो, किसी व्यापारी अगर आके बता दो हमने गुंडा टैक्स लिया, ऐसे किसी बड़े आदमी का गुंडा टैक्स लिया, कोई कुछ नहीं हुआ कभी भी। तो 10 साल के अंदर कांग्रेस के राज में गुंडागर्दी यहाँ होती है, उनका मेरे भाई ने जिक्र नहीं किया, लेकिन चौटाला साहब ने आप ही बता दिया आपसे कितने पैसे गए। आज तक सर जितना भी विकास हुआ पुंडरीका चौधरी भाईलाल के टाइम में हुआ। मुझे भाषण नहीं सर, अगर विकास हुआ तो मुझे 3 काम बताइए जो भजन लाल जी ने पुंडरी के लिए किया हो। ये मत कहिएगा कि ऐसे बिजली बढ़ा दिया। अनाज मंडी जिसमें हम खड़े हैं ये चौधरी भजन लाल जी की देन है, पुंडरी का बस स्टैंड ये चौधरी भजन लाल जी की देन है, और तीसरा चौधरी भजन लाल जी ने 1984 में सब तहसील का दर्जा दिया था पुंडरी को पहली बार। आपका कहना है कि भजन लाल जी ने पुंडरी के साथ इंसाफ किया। जब एक भारी बात कर रहे हैं चौटाला वाले उसको धमका रहे हैं, बनने के बाद क्या करेंगे वो, बनने के बाद क्या करेंगे? अब नहीं बोलने देते, बनने के बाद क्या करेंगे उसके साथ? ये गरीब वर्ग का और व्यापारी वर्ग का INLD वाले शोषण करते हैं, और चंदा तो ये मंडियों में उगाई ऐसे करते हैं जैसे कंबाइन खेत में कणक काटने के लिए बढ़ती है ना, ऐसे उगाई करते हैं। कोई बात नहीं है, ये मेरे साथी प्रदीप जी ये बैठते हैं, आप बताएं कब किस टाइम चंदा गया था आप, एक रुपया आप सबूत करके दिखाई। INLO पार्टी स्वस्थ सभी की पार्टी है, ऐसी कोई बात नहीं। कांग्रेस में इतना बनता था माइक बोल, माइक इतनी डकैती होती है, सरेआम व्यापारियों पे गोली मारी जाती है। अब ये भाई साहब क्यों नहीं बोल रहे आप, यहाँ से मनीष से पैसे छीन के लेके गए थे आपने बताया कांग्रेस। ये मंडी एक है बनाने वाले भजन, अच्छा मंडी तैयार हो गई बनके। और दूसरी बात, यहाँ पे हॉस्पिटल जो है ना बहुत बढ़िया अच्छे चलते थे उस टाइम में, और कांग्रेस आने के बाद यहाँ ठप हो गया। बनाया किसने हॉस्पिटल? किसने बनाया? साहब ने बनाया साहब का राज था यहाँ पे, जो चौटाला साहब ने सड़कें यहाँ बनाई थी उसके बाद आज तक उन पे ना पैच तक नहीं लगा, और डांड को तहसील बनाया, और 132 केवी का अपना ये बिजली का बनाया में डांड में हापड़ी में, और तीर्थ स्थान पे बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी के लोग किधर है? बीजेपी चले गए, हजका वालों ने बीजेपी को पुंडरी से भगा दिया। ठीक है, ये जरा आपने INLD को भी सुना है और हजका के भी लोग बता रहे हैं है ना, क्या क्या काम हुए हैं। आप जो काम गिनवा रहे हैं इससे बात कीजिए तो लगता है कि ये सब काम पहले ही हो गए। ऐसा कुछ नहीं है, अभी पहले कहाँ हो गया, बिल्डिंगें देखिए जाकर के, नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं, 8-8 करोड़ की, 6-6 करोड़ की नई बिल्डिंगें बनी हुई हैं, चेक करो। ऐसा नहीं है, वेटरनरी हॉस्पिटल है वहाँ पशु जाते हैं इसलिए गंदगी तो होती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, छत गिर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर बैठे जाकर देखिए।
आप देखिए तीर्थ में कितना कई करोड़ का काम चल रहा है। वेटनरी कॉलेज में डॉक्टर अगर वहाँ पे जाऊँ तो पेड़ के नीचे मिलेगा या बिल्डिंग के अंदर मिलेगा? अब बैठे हैं जाकर के देखिए आप, मिलता ही नहीं जी। इन्हें कांग्रेस वालों ने तो लूट भगाया, इतना भ्रष्टाचार इस राज्य में किसी राज्य में नहीं है। जब तक आम जनता की, आम आदमी की बात नहीं सुनी जाएगी, ये सरकार नुए फेल चलेगी, चाहे वो सरकार कोई सी हो। माला की जरूरत ही नहीं है, सियालू चलती है। आज माला का ट्रेंड खत्म है, सियालू का ट्रेंड चलता है। मतलब की माला कौन डालना पसंद करेगा जब आप रुपए मिलते हैं? अब सीएलयू का माला हो गया, सीएलयू की माला है आज। सुनो, यहाँ कितनी बार आए हैं आज किसानों की जमीन सस्ते रेट पे लेके महंगे रेट में बेची जाती है, उन्होंने माला की क्या जरूरत है? वो क्यों डलवाएंगे माला? किसानों की जमीन सस्ते रेट पे लेके महंगे रेट पे ले ही जाती है, उसके सियालू दे करके उन्हें माला की क्या जरूरत है? भाई साहब प्लीज, एक सैनी साहब से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं बेसिकली पाई गांव से हूँ, पाई गांव हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है। मैं सैनी साहब से और इनके द्वारा आदरणीय श्री नवीन जिंदल जी से और यहाँ के मंत्री सोई सुल्तान सिंह जडोड़ा से पूछना चाहता हूँ, अगर आप पाई के अंदर जो पानी की निकासी का जो वह देखे यहाँ से, एक भाई साहब आप भी, मैं इलेक्ट्रिक मीडिया से एक प्रार्थना करता हूँ कि पाई गांव के अंदर विशेष कवरेज ली जाए। वहाँ पर एक पानी की बीमारी, पानी की निकासी ना होने के कारण एक बीमारी महामारी का रूप लेने के लिए जा रही है। और बेरोजगारी जो हरियाणा का सबसे बड़ा गांव है, वहाँ पर बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि हर दिन युवा जो पुंडरी के अंदर इलेक्शन हुआ, ये पाई गांव की बात करते हैं, जो पुंडरी के अंदर इलेक्शन हुआ, आज विधायक हैं हमारे आदरणीय हैं, मंत्री बने हुए, मगर पाई गांव के अंदर बूथ कैप्टन, बूथ अब धक्के से बनवा ले अपने, अब करवा ले ये बूथ कैप्टन करते सबसे ज्यादा पाई गांव के वहाँ से काम शुरू होता है। सारा पुंडरी हल्का हो रहा है। फतेहपुर में क्या बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई? क्या और गांवों में नहीं? और प्रशासन और ये हरियाणा सरकार उस समय क्या कर रही थी? इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा था? हरियाणा में उप मुख्यमंत्री पद, केंद्रीय मंत्री पद, रोड मंत्री छोटा, किसके लिए? पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए। कैप्चरिंग हुई तो इलेक्शन कमीशन ने क्या किया? फिर विकास में भी यही भेदभाव चलेगा। अगर बूथ कैप्चरिंग हुई है तो आप इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते हैं इस बात की, बूथ कैप्चरिंग हुई है। मैं आदरणीय भाई साहब क्यों म्योली जी से ये कहना चाहता हूँ, भाई जो पाई में हमारे ऊपर एक इल्जाम लगाया जाता है भाई बूथ कैप्चरिंग होती है, यहाँ पर 10,500 वोट पोल हुए, और वो अगर बूथ कैप्चरिंग, ये बात कहने के लिए नहीं, वो बात अगर यहाँ पर भाईचारा कायम ना होता, वो सारे एक कलेक्शन वही एक भाईचारे को कायम किया, तब जाके वहाँ पर इतनी वोटों के किसी दूसरी पार्टी के आदमी को गांव में घुसने नहीं दिया जाता कोई भी। कौन सी पार्टी, किस पार्टी का नेशनल लोकदल, एक ही जनाधार है, वहाँ पे किसी को वोट नहीं डालता है। आज ये पब्लिक खड़ी है, यहाँ से जो विधायक हमारे आदरणीय है, मगर आज ये जनता जानती है अगर ये बूथ कैप्चरिंग नहीं होती आज कुंडी का विधायक ही कोई और होता। हेलो, जहाँ तक वैसे तो बूथ कैप्चरिंग की जो बात सुनी, जो कास्ट का जहर घोड़ा, सिर्फ एक ही आदमी ने घोड़ा, कौशिक ने। अगर बूथ कैप्चरिंग की बात है तो बूथ वाइज उसके एजेंट या उनके बाय डाटा कटाए जाएं तो शुरुआत भी कौशिक ने करी है। ये दिनेश कौशिक ने बूथ कैप्चरिंग शुरू की। जहाँ तक पुंडरी हल्के की बात है, यहाँ पर चौधरी तेजवीर जी इनेलो में ज्वाइन है और इस टाइम नंबर एक पे है, और उसके चौधरी ईश्वर सिंह ने वो स्तुति गान बाद में कर लेंगे। जो ये भाई, ये क्या बूथ कैप्चरिंग की बात, कहाँ कैप्चरिंग? मैं बताता हूँ इनको, देखिए चौधरी सज्जन सिंह ने इनेलो से चुनाव लड़ा पीछे, उससे पहले उन्होंने कांग्रेस से चुनाव लड़ा, पाई गांव का रहने वाला, उससे पहले विकास पार्टी से चुनाव, जितने भी चुनाव लड़े हैं पाई के अंदर से उनको ऐसे ही समर्थन मिलता रहा क्योंकि उसका अपना गांव है,
वो गांव है, वो आगे की बात नहीं है, पाई गांव का वोट प्रतिशत है तो मैक्सिमम उसको मिलता रहा। ये लोग कुछ प्रचार करे बूथ कैप्चरिंग की जो बात रही है ना, वो जिडोड़ा से भी शुरुआत हुई है, जिडोड़ा से शुरुआत हुई है, फिर उन लोगों ने फोन किया, क्या फिर उन्हें क्या गलत कर दिया, उसके बाद फतेहपुर हुई है और फिर पूरा इलाका में हुई है। उसने क्या कोट कर दिया, पाई वालों ने क्या गलत किया? नहीं है ऐसा है सर जी, अगर गुंडागर्दी दहशत का माहौल खत्म करना है तो दिनेश कौशिक को बनाना पड़ेगा, नहीं तो इस प्रकार यहाँ की जनता सज्जन ढूल को समर्थन नहीं है, सज्जन ढूल का समर्थन नहीं है, दबंग है, दबंग वहाँ पे गरीब आदमी को कहा जाता है चल बाहर। अगर उंगली हल्का का विकास है तो भी ईश्वर सिंह हल्के का विकास तो ईश्वर सिंह हमें मुंडरी हल्के का विधायक देखना है तो चौधरी बलकार सिंह कर सकता है, अगर यहाँ विकास कर सकता है चौधरी बलकार सिंह। पहले कौन से दिनेश कौशिक जी विधायक नहीं रहे, जब भ्रष्टाचार वो कांग्रेस दिनेश कौशिक ने अमरीका छोड़ का मांगे दूर अमरीका। ये बताओ दिनेश कौशिक ने कितने काल घुमाए पुंडरी हल्के के अंदर, अगर हरियाणा मतलब पुंडरी हल्के का अगर विकास है तो चौधरी ईश्वर सिंह है, उसके बाद किसी भी विधायक ने कोई विकास नहीं किया, उसके बाद तो बलात्कारी आदमी है, क्या विकास करे तेजवीर जेल में क्यों गया, बलात्कार के केस में गया क्यों गया, बलात्कार के तेजवीर बलात्कार के केस में जेल में गए हो। छत्तीस बरादरी का भला कर सकता है एक अच्छा सोशल व्यक्ति तो बलकार सिंह है इस पुंडरी में, बाकी कोई जात नहीं। चलिए ये पुंडरी की कहानी है और पुंडरी में बातचीत के दौर में ही ये बात भी सामने आ गई कि यहाँ पर बूथ कैप्चरिंग का जोर है, चार बार से कोई लगातार चार बार जो पिछले इलेक्शन हुए हैं कोई ना कोई इंडिपेंडेंट यहाँ से जीतता रहा है, ये बूथ कैप्चरिंग पुंडरी के लिए बहुत बड़ी बात है, नजर इस पे भी रखिएगा हम भी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया और अगली मुलाकात आपसे अगले हल्के में होगी, देखते रहिए टोटल न्यूज़, बहुत बहुत शुक्रिया।